कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। और उसकी याद की बादे सभा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे, उसकी याद की बादे सभा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। अरे यार, मैंने डायलॉग ऊपर नीचे कर दिया। मियां समझ में नहीं आता ये तख्ता पलट कैसे हो गया। अगर मेरी कब्र अमरोहे में होती ना तो ऐसा कभी ना होता। लेकिन ये तो अमरोहा नहीं है, ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये नाटक तो जॉन एलिया पर ही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ऐसी कोई बात है कि जो लोग अदबी लोग नहीं जानते। अदबी लोग तो पूरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, लेकिन आम लोगों की अगर बात करें, बिल्कुल आम पाठक, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदी के पाठक हैं जिन्हें उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती है, और जिस कदर पिछले 10 बरस के दरमियान जॉन साहब मशहूर हुए सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं, जो अमरोहे से लेकर के और कराची तक का सफ़र है, तो उसमें जो उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू हैं जो जॉन साहब को जॉन बनाते हैं, तो कोशिश की गई है कि उन सारे पहलुओं को इसमें समेटा जाए। देखिए, शायर जो होता है वो तो तमाम मौजूआत पर अपनी निगाह रखता है और उस पर बात करता है, लेकिन पॉपुलर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उसी से लोग उनके पूरे वजूद को देखने लगते हैं। तो जॉन साहब के यहाँ फ़लसफियाना बातें हैं, उनके यहाँ इंकलाबी बातें हैं, उनके यहाँ तनकीद है, मज़हबी जो कट्टरता है उस पर तनकीद है। तो बहुत कुछ ऐसा है जॉन साहब की शायरी में कि जो सोशल मीडिया पर पॉपुलर नहीं है, लेकिन जिसे पढ़ा जाना चाहिए। सालहा साल और एक लम्हा, कोई भी तुनैन में बल आया, खुद ही एक दर पर मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का समय निकल आया। उठो जॉन, जॉन उठो। ये बात सुखद आश्चर्य है कि पहले भी जो भी मैंने नाटक मैंने किया है किसी दूसरे के लिखे हुए, तो उसमें मुझे कुछ संशोधन करने ही पड़े हैं, रीराइट करना पड़ा है बहुत सा कुछ, और उनकी सहमति से, मूल लेखक की सहमति से, और वो सहमत हुए और बाद में उनको लगा कि हाँ, मैंने जो मैं चाहता था वो उसमें मिसिंग था, और वो फिर वापस आ गया उसमें प्ले में जो आना चाहिए था। खैर, ये प्ले कैसा है, वाहिद एक एग्जांपल है कि जहाँ मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये फैसला किया, और इस पर कुछ मैंने इसमें छेड़छाड़ नहीं की इसके साथ एज इट इज़, क्योंकि इसमें एक सैंक्टिटी है इसकी, इस प्ले की एक प्योरिटी है इस प्ले में, और उसको मैं वो नहीं करना चाहता, दूषित नहीं करना चाहता। मियां, हम शायर हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जो चिलम बर्दारी से खुश होंगे। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। उतना प्रोफेशनल नहीं है दिल्ली थिएटर सर्किट जितने बंगाली है, बंगाल है, या फिर आपका मुंबई थिएटर सर्किट है, आप उसके लिहाज से कह सकते हैं। दिल्ली में थिएटर उतना प्रोफेशनल नहीं है, टिकट बिकती नहीं है, पासिस ही बिकते हैं, पासिस ही चलते हैं। कोई भी नया नाटक हो, आप 1.5-2 महीने उसकी रिहर्सल करेंगे, सब कुछ झोंक देंगे, तो आपका दोस्त ही आपसे पास मांग लेगा। तो इस तरह से पनपता नहीं है थिएटर में। और जहाँ तक बात है कि नए नाटक क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो लेखक हैं उनके लिए मोटिवेशन नहीं है। अब
जॉन एलिया ठीक शायर हैं, उनके यहाँ कुछ शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बाकी जो है वाजिबी हैं। और मैं अगर बात करूं जो उनकी किताबें, चूँकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही किताब छप पाई थी शायद, और उस जितनी बाकी किताबें हैं वो सब बाद में आई हैं, उनके इंतकाल के बाद आई हैं, और अभी मैंने सुना है कि एक और किताब आने वाली है मंज़र-ए-आम पर। तो मेरा ख़्याल है कि अगर जॉन साहब सेहतमंद होते, चूँकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सेहत के जो है मसलों से भी जूझते रहे, और उनकी जो ज़िंदगी की परेशानियाँ थीं वो तो थीं ही, लेकिन अगर वो सेहतमंद होते और इंतखाब करते तो मुझे लगता है कि अभी जो किताबें मौजूद हैं और इसमें जो कलाम है इसमें से इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा वो खुद काट के फेंक देते। लेकिन ये कहानी एक झूठी कहानी है। हकीकत में कोई चंदन का पेड़ हम जैसियों का साथ नहीं देता।